हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम NTUGC नेट म्यूजिक वोकल का सिलेबस करने जा रहे हैं। इसकी यूनिट 1 कर रहे हैं, लेक्चर 9 है, और जो पहले 8 लेक्चर है वो मैं करवा चुकी हूँ। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1, इसमें क्या है, आपकी डेफिनेशंस हैं, पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, तो जो डेफिनेशंस हैं वो हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो आज हम डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं, जिनके बारे में हम जानने वाले हैं, वो जान लेते हैं हारमनी, मेलोडी, ताल, लय एवं विभिन्न लयकारियाँ, हिंदुस्तानी संगीत में प्रचलित तालें। इन सब के बारे में हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखें, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हारमनी और मेलोडी की। ये दोनों जो टॉपिक हम एक साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। और हारमनी का जो प्रयोग है वो पाश्चात्य संगीत में किया जाता है, और कुछ लोग इसको हारमोनी भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है मेलोडी, इसका जो प्रयोग है वो हिंदुस्तानी संगीत में किया जाता है। मेनली बातें आपको दोनों में ये ध्यान रखनी है, क्योंकि कन्फ्यूज़न रहती है थोड़ी सी कि हारमनी और मेलोडी में। तो हारमनी जो है पाश्चात्य संगीत में प्रयोग की जाती है, और मेलोडी जो है हिंदुस्तानी संगीत में प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो भारतीय संगीत का जो आधार है वो क्या है, मेलोडी, और पाश्चात्य संगीत का हारमनी, ठीक है। तो कुछ विद्वानों का मत है कि हारमनी मेलोडी का ही सुधरा हुआ रूप है, यानी कि मेलोडी हिंदुस्तानी संगीत में आता है, और मेलोडी का ही सुधरा हुआ रूप क्या है, हारमनी, जिसका प्रयोग पाश्चात्य संगीत में किया जाता है। कुछ भी हो, यह कहना कठिन है, यानी कि यह कहना मुश्किल है कि दोनों में से अधिक उत्तम कौन है, लेकिन यह सत्य है कि दोनों के कार्य जो है पृथक पृथक है, यानी कि दोनों के ही कार्य जो है अलग अलग हैं। जब एक स्वर को इस प्रकार रखा जाए कि स्वर रचना चित्त आकर्षक बन जाए, जो स्वर रचना है चित्त आकर्षक यानी कि हृदय को आकर्षित करने वाली बन जाए, तो उसे क्या कहते हैं, मेलोडी। जब एक एक स्वर को इस प्रकार से रखा जाएगा, ध्यान रखना, एक एक स्वर को इस प्रकार रखा जाए कि स्वर रचना जो है चित्त आकर्षक बन जाए, उसे मेलोडी कहेंगे। परंतु जब कम से कम दो अथवा दो से अधिक स्वरों को साथ साथ बजाकर रचना की जाएगी, तो उसे एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, हम हारमनी कह सकते हैं। जब हम किन्हीं दो अथवा दो से अधिक स्वरों को एक साथ बजाएं, तो जो सब स्वरों की सम्मिलित ध्वनि उत्पन्न होगी उसे जो है कोड कहते हैं। जब इन्हीं कोड्स का मिश्रण धुनों के साथ लगातार बजाया जाए, तो जो ध्वनि उत्पन्न होगी उसे क्या कहा जाएगा, हारमनी कहा जाएगा, ठीक है। तो इससे अधिक स्पष्ट हो जाता है कि मेलोडी की रचना में एक के बाद एक स्वर का प्रयोग किया जाता है, जबकि हारमनी में स्वर के स्थान पर एक के बाद एक स्वर कोड्स जो है बजाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है, मेलोडी में जो है एक एक स्वर का मतलब प्रयोग किया जाता है, और हारमनी में जैसे तीन स्वर इकट्ठे बजा दिए कोड बना के, तो वो आपका हारमनी में आता है, पाश्चात्य संगीत में आता है। हारमनी जो है दो प्रकार की होती है, सिंपल हारमनी और कॉम्प्लिकेटेड हारमनी। सिंपल हारमनी में क्या होता है कि विशेषकर समांतर होता है, अर्थात दो गायकों के स्वरों का परस्पर अंतर जो है समान रहता है, एक जैसा रहता है। जैसे यदि पुरुष मंद्र सप्तक के स्वरों में गाए और स्त्री उसी संगीत रचना को उन्हीं स्वरों को मध्य सप्तक में गाए, ध्यान से देखिए, पुरुष जो है मंद्र सप्तक में स्वरों को गाएगा और स्त्री जो है उन्हीं ही स्वरों को मध्य सप्तक में गाए, तो आपकी सिंपल हारमनी कहलाती है। सिंपल हारमनी के भी दो प्रकार हैं, मेगाडाइजिंग हारमनी और ऑर्गेनाइजिंग हारमनी। मेगाडाइजिंग हारमनी में क्या है, जब स्वरों की परस्पर दूरी एक या दो पूर्ण सप्तकों की होती है, जब स्वरों की आपस की जो दूरी है एक या दो जो पूरे पूरे सप्तकों की रहेगी। ऑर्गेनाइजिंग हारमनी, जब गायकों के परस्पर स्वरों का अंतर जैसे सापा सागा ये रहता है, तब वो क्या कहलाता है, हारमनी का मूल आधार, सागा आदि रहता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग हारमनी। हारमनी का जो मूल आधार है वह मेलोडी ही होता है। तो आपको ध्यान रखना है, मेलोडी जो है भारतीय संगीत का, हिंदुस्तानी संगीत का आधार है, और जो हारमनी है वो मेलोडी ही उसका आधार है। हारमोनिक हारमनी का जो मूल आधार है वो मेलोडी है।
उसी के ऊपर विभिन्न स्वरों का प्रयोग करके हारमोनी जो है निर्मित की जाती है। मेलोडी के ऊपर ही विभिन्न स्वरों का प्रयोग करके जो है हारमोनी निर्मित की जाती है, इसलिए कहा जाता है कि हारमोनी इज़ द क्लोथिंग ऑफ मेलोडी। बस ध्यान रखें, हारमोनी इज़ द क्लोथिंग ऑफ मेलोडी। अब सेकंड पढ़ते हैं, हमने पढ़ा था कि हारमोनी जो है दो प्रकार की होती है। अब सेकंड है ये आपकी कॉम्प्लिकेटेड हारमोनी। जब गायकों के स्वरों का परस्पर अंतर घटता बढ़ता रहता है तब उससे कॉम्प्लिकेटेड हारमोनी की उत्पत्ति होती है। हारमोनी संगीत प्रदर्शन में कभी कभी रचनाकार क्षण भर के लिए आनंद की वृद्धि हेतु किसी डिसोनेंट स्वर की स्वर ध्वनि उत्पन्न करके विवादित स्वर के समान संगीत का जो आनंद है बढ़ा देता है। अब बात करते हैं मेलोडी और हारमोनी के अंतर में अंतर। अब आपको ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप इसके अंतर पढ़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहला अंतर इसमें क्या है कि भारतीय संगीत जो है मूलतः मेलोडिक पर आधारित है, जबकि पाश्चात्य संगीत मूलतः हारमोनिक पर। मेलोडी संगीत में बंदिश को छोड़कर गायकी में संगीतज्ञ को अपने व्यक्तित्व प्रदर्शन करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है। जैसे हम राग वगैरह गाते हैं, शास्त्रीय संगीत की जो भी गायन शैली है इनको छोड़ करके हिंदुस्तानी संगीत में, इसके अलावा हम जो भी गाते हैं गीत गज़ल भजन ये सब में, इसमें क्या है कि सिंगर को स्वतंत्रता है कि वो किसी भी तरीके से इन स्वरों को गा बजा सकता है, किसी भी ताल का प्रयोग कर सकता है। लेकिन पश्चिमी हारमोनी संगीत में जो है लिपिबद्ध रहता है, लिपिबद्ध संगीत ही गायन वादन के लिए किया जाता है। मतलब जिन स्वरों का प्रयोग किया जा रहा है वैसे ही किया जाएगा, जिन ताल का प्रयोग किया जा रहा है तो एक लिपिबद्ध तरीके से ही किया जाएगा। भारतीय संगीत यानी कि मेलोडी के कलाकार पर समय प्रतिबंध नहीं होता। मतलब समय प्रतिबंध का मतलब यहाँ पे यह है कि जब कलाकार अपने भाव को पब्लिक तक पहुँचाता है तो वो कितना भी समय ले सकता है अपनी बात को, मतलब अपने गाने के जरिए लोगों को अपने भाव पहुंचाने के लिए वो कितना भी समय ले सकता है। जब वो गाना गा रहा है मान लो तो अपने उसी गाने को वो एक घंटे तक भी गा सकता है, दो घंटे तक भी गा सकता है, आधे घंटे तक भी, जब तक उसके जो भाव हैं ऑडियंस तक ना पहुंच जाए तब तक वो उस गाने को गा सकता है। जबकि पाश्चात्य हारमोनी में कलाकार को ऐसी स्वतंत्रता नहीं है जिससे वह अपने गायन वादन को लंबा या छोटा कर सके। जैसा कि मेलोडी में हमने पढ़ा कि उसमें ऐसा हो सकता है भारतीय संगीत की बात की जाए तो कि गायन वादन का समय निश्चित नहीं होता, उसको मैं लंबा भी कर सकता है कलाकार और उसको टाइम जो है घटा भी सकता है, लेकिन हारमोनी में ऐसा नहीं होता। मेलोडी में प्रत्येक स्वर का संबंध जो है षड्ज से होता है, सा से होता है, किंतु हारमोनी में उत्पन्न विभिन्न स्वरों का पारस्परिक संबंध है। मेलोडी के लिए एक कंठ या वाद्य पर्याप्त है, किंतु हारमोनी में एक से अधिक कंठों या वादों की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत भावों के लिए मेलोडी और सामूहिक भाव प्रदर्शन के लिए हारमोनी जो है उपयुक्त है। मेलोडी में स्वर लगाने का एक विशेष ढंग होता है जिससे एक के बाद एक स्वर की कड़ी टूटती नहीं है, जबकि हारमोनी में एक साथ समेत स्वरों पर धुनें बजाई जाती हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ताल के बारे में। ताल में क्या है, गायन वादन तथा नृत्य इन तीनों कलाओं की क्रियाओं में जो समय लगता है उसके मापने के साधन को ताल कहा जाता है। ताल के अनेक प्रकार है, दादरा कहरवा रूपक आदि। जैसे कि आपको पता है कि ताल में से क्वेश्चन जरूर आता ही आता है, तो मात्रा ताल में लगने वाले समय के एक भाग को मात्रा कहते हैं। जब हम घड़ी को कान के पास ले जाते हैं तो हमें टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है, सेकंड वाली जो सुई होती है टिक टिक करती हुई चलती है, ठीक है। तो एक बार टिक की आवाज़ में जो समय लगता है उसे हम क्या गिनते हैं, एक मात्रा गिनते हैं। जैसे दादरा ताल, ठीक है, दादरा ताल में आपकी छः मात्राएँ होती हैं, तो ये छह मात्राएं कैसे गिनी जाएंगी, एक दो तीन चार पाँच छः। जैसे मतलब सेकंड की सुई टिक टिक करती हुई चलती है तो उस तरीके से मात्राओं को भी गिना जाता है, ठीक है। दादरा ताल के बोल है धा धिन्ना धा धिन्ना। बोल क्या होते हैं, ताल वाद्यों पर हर एक ताल पर ताल बजाते हैं। ताल वाद्य वो वाद्य जिन पर ताल बजाई जाती है, जैसे ढोलक होगी तबला हो गया, तो ऐसे वाद्य पर जो हम ताल बजाते हैं तो उनके लिए हमें कुछ शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। तो उन्हें दिखाने के लिए कुछ शब्द जैसे धा धिन्ना तिन्ना, जो भी आपके तबले के बोलोगे पखावत के जैसे कुछ भी, तो आपके कुछ बोलों का सहारा लिया जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, बोल। आवर्तन, जब ताल के, सबसे पहले बता दो कि आवर्तन जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। जब ताल के बोल जो हैं तबले पर एक बार बजाएंगे तब वह एक आवर्तन होगा, यानी बोलों का सम से लेकर के सम तक का एक पूरा चक्कर क्या कहता है, आवर्तन कहलाता है। सम से सम तक का एक पूरा चक्कर लगाने को जो है आवर्तन कहा जाता है। बात करेंगे हम दादरा ताल की, धा धिन ना धा तिन ना, सम पहली मात्रा से शुरू होता है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक पूरे चक्कर को क्या कहा जाएगा, एक आवर्तन। अब इसी को हम
दोबारा बोलना स्टार्ट कर दे धा धिन्ना धा तिन्ना, तो ये दूसरा बर्तन हो गया। तो इस तरीके से हम कितने भी बर्तन ले सकते हैं। अगर हम लगातार बजाएंगे तो बर्तन लगातार आगे चलते जाएंगे। ठेका ताल बजाने को ठेका कहते हैं, इसे एक गुण और ठा भी कहते हैं। यदि दादा ताल बजाएंगे तो पता चलता है कि दादा ताल का ठेका बज रहा है। दादा ताल का ठेका कैसे बज रहा है? जैसे दादा ताल के बोल बजेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दादा ताल का ठेका है, ठीक है। जैसे धा धिन्ना धा तिन्ना, ये ताल की एक गुण है। इसको ठेका को ताल ठेका को एक गुण भी कहते हैं और ठा भी कहते हैं, ठीक है। विभाग, प्रत्येक ताल में बोलों के छोटे छोटे विभिन्न मात्राओं के भागों में बटे हुए हिस्से को विभाग कहते हैं। हर ताल में जो विभाग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। दादा ताल का ही एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे ताकि आपको अच्छे समझ आ सके। अब ये देख रहे हैं, आप ये लाइन देख रहे हैं, तो क्या इस ताल में कितने विभाग किए गए हैं? दो, ठीक है। सम, जहाँ से ताल शुरू की जाती है उस सम कहते हैं। सम हमेशा ताल की पहली मात्रा पर होता है। सम के लिए हम क्रॉस का चिन्ह दिखाते हैं, देख सकते हैं पहली मात्रा पे क्रॉस का चिन्ह दिया हुआ है। सम ताल जहाँ से भी शुरू होती है आपका, वो पहली मात्रा पे सम ही होता है। ताली अथवा भरे, सम के अतिरिक्त ताल के अन्य विभागों की प्रथम मात्रा पर जब थाप की जाती है तो इसे ताली या भरी कहते हैं। जैसे जब ताल में तीसरी और आठवीं मात्रा पर ताली है, ठीक है। अब बात करते हैं खाली की। जब किसी ताल में विभाग पर जहाँ सम या ताली नहीं बजती और हाथ हिलाकर मात्रा दिखाई जाती है तो इसे खाली कहते हैं, और खाली के लिए हम जीरो चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम लय और विभिन्न लयकारियाँ इसकी। गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों की समान गति को लय कहते हैं। ध्यान रखना, लय में समान गति होती है इन तीनों की, और समान गति को मापने का जो पैमाना होता है वो क्या कहलाता है? ताल। लय के तीन प्रकार हैं, विलंबित, मध्य और द्रुत। विलंबित लय, विलंबित लय का अर्थ होता है धीमी। जब धीमी गति में गाया बजाया जाए तो उसे विलंबित लय कहते हैं। यह लय मध्य लय से दुगनी धीमी होती है। शास्त्रीय संगीत के गायन में बड़े ख्याल, द्रुपद, धमार आदि इसी लय में गाए जाते हैं, ठीक है। तो इस लय के साथ एक ताल, तिलवाड़ा ताल, सोल ताल, धमार ताल, तीव्र ताल आदि ताले बजाई जाती हैं। मध्य का अर्थ होता है बीच की। जब न अधिक तेज और न अधिक धीमी बल्कि मध्यम गति में गाया बजाया जाए तो उसे मध्य लय कहते हैं। इसमें छोटे ख्याल, गीत, गजल, भजन आदि में इसी लय का प्रयोग होता है। इस लय के साथ अधिकतर रूपक, दादरा, कहरवा, तीन ताल तथा जप ताल आदि का प्रयोग होता है। द्रुत का अर्थ होता है तेज। जब मध्य लय से दुगनी तेज गति में गाया बजाया जाता है तो उसे द्रुत लय कहते हैं, और इस लय की गति में मध्य लय से दुगनी तेज होती है। गायन में तराने, छोटे ख्याल तथा वादन में झाले गाए बजाए जाते हैं। अब बात करेंगे हम विभिन्न प्रकार की जो लयकारियाँ होते हैं। एक गुण, इस लयकार्य को बराबर की लय भी कहते हैं। एक मात्रा में एक बोल को जब गाया बजाया जाता है तो ताल की एक गुण। दुगुण में क्या होता है? जब एक मात्रा में दो बोलों को हम गाते हैं। त्रिगुण में एक मात्रा में तीन बोलों को, चौगुण में एक मात्रा में चार बोलों को, पाँच गुण में एक मात्रा में पाँच बोलों को बोला जाता है, छः गुण में जब एक मात्रा में छः बोलों को बोला जाए, सात गुण में एक मात्रा में सात बोलों को, आठ गुण में एक मात्रा में आठ बोलों को बोला जाता है। अब बात करते हैं डेढ़ गुण या तीन बटा दो गुण या फिर आड़ लय, ठीक है। तो दो मात्रा में जब तीन बोलों को बोला जाता है वो आपकी कौन सी लय कहलाती है? आड़ लय, ठीक है। फाइव बाय फोर ये जो है आपकी क्वाड लय है, इसको हम सवा गुण भी कहते हैं, यानी कि एक से एक बटा चार। चार मात्रा में पांच बोलों को बोलना क्या कहलाता है? क्वाड। कुछ विद्वानों के अनुसार आड़ की आड़ को भी क्वाड कहते हैं। जैसे आड़ की आड़ कैसे? आड़ क्या थी? तीन बटा दो आपकी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आड़ की आड़ तीन बटा दो से ही, तो आपका क्या होगा? नौ बटा चार। तो कुछ विद्वान जो है इसको भी मानते हैं आपकी क्वाड, यानी कि सवा गुण, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आड़, क्वाड और बियाड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अलग अलग तरीके से भी पूछा सकता है। जैसे एक से एक बटा चार पूछ लिया कि कौन सी है, ये सवा गुण है, ये भी पूछा सकता है, ठीक है। तो पाँच बटा चार गुण, आपको हर तरफ से ध्यान हो। लास्ट पढ़ेंगे सात बटा चार गुण, पौने दो गुण या फिर बियाड एक से ही तीन बटा चार। जब चार मात्रा में सात बोलों को बोला जाता है वो आपकी क्या कहलाती है? बियाड। अब बात करेंगे हम हिंदुस्तान संगीत में प्रचलित ताले। ताले तो बहुत सारी हैं लेकिन मैं आपको कुछ ही ताले करा रही हूँ। इसके अलावा और भी ताले जो हैं आपको डिटेल से जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। आपको जो है वीडियो जो है तालों से रिलेटेड मिलती रहेगी, तो आप उन वीडियो को आप कंप्लीट देखें। इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे ताले इसमें इंक्लूड कर पाऊँ, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ताले जो हम देख लेते हैं। दादरा ताल छः मात्राओं की ताल है। विभाग कितने हैं? दो। ताली कितनी है? एक। खाली कौन सी मात्रा पे है? चौथी मात्रा पे, ठीक है।
तो इसके बोल हैं धा धिन्ना धा तिन्ना। रूपक ताल, रूपक ताल में आपकी 7 मात्राएं होती हैं। विभाग कितने हैं? 3। ताली कौन सी मात्रा पे है? पहली पे, चौथी पे और छठी पे, ठीक है। खाली नहीं है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं खाली जो है, अगर ताली में हम पहली मात्रा पे, ताली में अगर यहाँ पे हम पहली मात्रा पे इन्हें दिखाएंगे तो खाली यहाँ पे पहली मात्रा पे होगा। कैसी? रूपक ताल एक ऐसी ताल है जिसकी पहली मात्रा पे खाली भी रहता है और सम भी रहता है, ठीक है। तो वैसे तो मोस्टली विद्वानों ने यही कहा है कि रूपक ताल की पहली मात्रा पे क्या रहता है आपका? खाली। यही एक ऐसी ताल है, अपवाद ताल है शास्त्रीय संगीत में, किसकी? इस ताल की पहली मात्रा पे आपका क्या रहता है? खाली, ठीक है। तीव्र ताल 7 मात्राओं की ताल है, इसमें विभाग 3 है, ताली पहली और चौथी पर, खाली जो है आपकी, सॉरी खाली तो इस ताल में है ही नहीं, और जो ताली है वो आपकी 1 4 6 पर है, ठीक है। धा दिन ता तिट कत गदिगन तीव्र ताल के जो है बोल हैं, जैसे कि आप देख रहे हो पहली मात्रा पे क्या है सम, चौथी मात्रा पे क्या है दूसरी ताली, छठी मात्रा पे क्या है तीसरी ताली। ग्यारहवा ताल 8 मात्राएं, विभाग 2, ताली पहली मात्रा पे और खाली 5वीं मात्रा पे, इसके बोल हैं धागे नाती नागे धीना। सुलताल सुलफाक ताल एक ही बात है, मात्राएं 10 हैं, विभाग 5 हैं, ताली पहली 5वीं 7वीं पर है, खाली जो है 3री 9वीं मात्रा पर है। धा धा दिन ता किट धा तिट कत गदिगन इस ताल के बोल हैं, पहली मात्रा पे सम, तीसरी मात्रा पे खाली, 5वीं मात्रा पे दूसरी ताली, 7वीं मात्रा पे तीसरी ताली, 9वीं मात्रा पर खाली। अब बात करेंगे झपताल की। झपताल में 12 मात्राएं हैं, विभाग 4 है, ताली पहली तीसरी 8वीं मात्रा पर है, खाली जो है 6ठी मात्रा पर है। इसके बोल हैं धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना, पहली मात्रा पे सम, तीसरी पर दूसरी ताली और 6ठी मात्रा पे खाली, 8वीं पर तीसरी ताली। एक ताल 12 मात्राओं की ताल है, विभाग 6 है, ताली पहली 5वीं 9वीं पर है, 9वीं 11वीं पर और खाली जो है 3री और 7वीं पर। एक ताल के बोल हैं धिन धिन धागे तिरकिट तुन्ना कत्ता धागे तिरकिट धिन्ना। और बात करेंगे चार ताल की। मात्राएं 12 हैं, विभाग 6 हैं, ताली पहली 5वीं 9वीं 11वीं मात्रा पर रहेगी, खाली जो है 3री और 7वीं मात्रा पर रहेगी। धा धा दिनता किटता दिनता तिटकत गदिगन इस ताल के बोल हैं दीपचंदी अथवा चाचर ताल। मात्राएं 14 हैं, विभाग 4 हैं, ताली पहली चौथी और 11वीं मात्रा पर ताली रहेगी, खाली जो है 8वीं मात्रा पर रहेगा। इसके बोल हैं धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल से, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।